इन्फिनिक्स का नया 5G स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 040 5G बुधवार को भारत में लॉन्च हो गया है। फोन को तीन रंगों में शानदार फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट चिपसेट मिलने वाला है। फोन में 512GB तक की स्टोरेज मिल जाती है, हालांकि ये एक मिड रेंज फोन है। आगे एक नज़र इन्फिनिक्स 040 5G की कीमत और स्पेसिफिकेशंस पर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फोन को दो स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें 12GB प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपए है और इसका 12GB प्लस 512GB स्टोरेज वेरिएंट आपको 30,999 रुपए की कीमत पर मिलेगा। फोन को वायोलेट गार्डन, मूविंग टाइटेनियम और रॉक ब्लैक इन तीन रंगों में पेश किया गया है। इसकी बिक्री 21 सितंबर से शुरू होगी और इसे आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीद सकते हैं। फोन में 6.78 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले बड़ा और स्मूथ स्क्रीन के साथ आता है। पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया मिलेगा। फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट चिपसेट द्वारा संचालित होता है और XOS 14.5 लेयर के साथ एंड्रॉइड 14 पर रन होता है। कंपनी ने इसे 2 साल के OS अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ पेश किया है। परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा और प्रोसेसर काफी फास्ट वर्क करेगा। फोन में JBL ट्यून्ड ड्यूल स्पीकर्स, IR ब्लास्टर और NFC जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। फोन के बैक पैनल पर 108 मेगापिक्सल प्राइमरी OIS कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अतिरिक्त फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। फोन GoPro मोड के साथ आता है। कैमरा भी काफी अच्छा दिया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 45 वाट वायर्ड, 20 वाट वायरलेस और 10 वाट रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।